सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के एक ऐसे हिडन फीचर के बारे में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो देखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में जो कि शायद आप नहीं जानते हो, और मैं वो वाईफाई और हॉटस्पॉट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि वो सेटिंग है क्या। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जैसे अपने कोई भी अपने वाईफाई से अपने मोबाइल में कनेक्ट कराते हैं अपना इंटरनेट डेटा चलाने के लिए, तो फ्रेंड्स अपने मोबाइल से उस वाईफाई का अपने मोबाइल से अपने दूसरे मोबाइल में आप अपना उसी वाईफाई का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अमेजिंग सेटिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू से लास्ट तक जो देखेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं अपने सैमसंग के M30s में मोबाइल में ये सेटिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है अपने हॉटस्पॉट में, जैसे वाईफाई होता है और हॉटस्पॉट होता है। तो सबसे पहले जाना है अपने हॉटस्पॉट के सेटिंग में। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखना है आपका हॉटस्पॉट किधर है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे खोजने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल से ही चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है अपने हॉटस्पॉट में। तो यहाँ पर आपका हॉटस्पॉट दिख रहा है यहाँ पर, तो इस पर आपको क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखते ही आपको यहाँ पर आपका हॉटस्पॉट यहाँ पर ऑन कर देंगे। ऑन करते ही आपको यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक वाईफाई शेयरिंग का सेटिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं ये वाईफाई शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऑफ है। तो इसको अगर ऑन करते ही आप अपने दूसरे मोबाइल में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने उस वाईफाई से जिससे आप ये मोबाइल कनेक्ट किए हैं, अपने उस वाईफाई से उसी वाईफाई का डेटा अपने दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हिडन फीचर की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।